डियर स्टूडेंट आरसीआई एजू हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉपिक चल रहा था अपना एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, जिसमें अपन ने बात कर ली थी कि जो एल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं और उन एल्डिहाइड कीटोनों का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनके द्वारा अपन एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवा के अलग अलग उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो यानी कि तीन, पहली बात करूंगा मेरे एल्कोहल के पास जो आपका एल्कोहल है उसकी तीन कैटेगरियां होंगी आपके पास, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा और 3 डिग्री एल्कोहल, जिसमें पहली बात कर लेता हूँ प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा अपना, प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। देखिएगा यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण यहां से क्या होता है कि जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, यानी कि प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण मेरे को किसमें करना है, क्योंकि आपको पता है एल्कोहल है सबसे पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड कीटोन या किसमें कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करवाने से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करवाना है मेरे को, प्राथमिक एल्कोहल जो है उसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करवाना है। तो प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करवाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो रिएजेंट होता है अभिकर्मक होता है वो होता है MPCC। और यदि आपका प्राथमिक एल्कोहल है उसी प्राथमिक एल्कोहल को आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो आप सर्वश्रेष्ठ रिएजेंट के रूप में एसिडिक जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि डियर स्टूडेंट क्लियर है कि प्राथमिक एल्कोहल का अपने को क्या करवाना है ऑक्सीकरण। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करवाना है, तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करवाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं आप, PCC पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। और यदि प्राथमिक एल्कोहल को अपन को किसमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक अम्लों में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, अम्लीय केमेनोपोर को प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से यूज करते हैं देखिए, 1 डिग्री एल्कोहल एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा CH3CHHOH, ये आपका एल्कोहल है, समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक से कार्बन से जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल कैसे कहलाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल, ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल का मेरे को क्या करवाना है ऑक्सीडेशन करवाना है, यहां से एरो के ऊपर मैंने लिखा PCC, मैं बता चुका हूं कि PCC क्या होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका काम क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, इसका जो PCC है इसका फंक्शन क्या होता है, PCC का जो काम है वो क्या होता है 1 डिग्री जो एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करेगा ये किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। PCC का फंक्शन क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल है उसको अपन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो रिएजेंट यूज कर सकते हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यानी किस प्रकार से करना है, देखो यहां से H और यहां से H, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, तो दोनों H ये ऑक्सीजन मिलकर H2 के रूप में इसको क्या बाहर निकल देगा रिमूव कर देगा, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी यहां पे क्या बन जाएगा CH2 एल्डिहाइड। फिर 1 डिग्री एल्कोहल है इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड, यानी कि प्राथमिक जो एल्कोहल है इस प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो रिएजेंट होता है वो कौन होता है PCC। इसी प्रकार से मेरे को आपके पास वही 1 डिग्री एल्कोहल है CH3CHHOH 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल इस 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करना है मेरे को ऑक्सीडाइज करना है, किसमें यहाँ पे एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो 1 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज के थ्रू क्या करना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा होता है अम्लीय केमेनोपोर, तो एरो के ऊपर आप क्या यूज कर सकते हैं अम्लीय
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो यानी कि यहां से किस प्रकार करता है डबल मोल, दो बार यहां पे ऑक्सीडाइज करता है, तो इस प्रकार से करता है। देखिएगा, देखो यहां की H, दोनों H है, दोनों H यहां से क्या करेगा, रिमूव करेगा, दोनों H यहां से रिमूव होंगे, वन ऑक्सीजन यहां पे शिफ्ट होगा तो H2 के रूप में ये तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है यहां से दोनों H बाहर निकले, ये वाला जो H है इसको मैं खोल के ऐसे दिखा सकता हूं क्या, देखो ये H और ये H, दोनों H बाहर निकाल लिए, यहां का एक ऑक्सीजन H2 के रूप में बाहर निकला, तो डबल बॉन्डेड यहां पे पोजीशन फ्री है, नहीं डबल बॉन्ड के रूप में, इस डबल बॉन्ड पोजीशन को बैलेंस करने के लिए यहां पे बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाएगा। तो देखो ये CH3 ऐसे कैसे यहां पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड को, और ये वाला ऐसे कैसे रह जाएगा OH। तो आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल था, ये वाला अल्कोहल है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो यहां पे यही बताया है कि प्राथमिक जो अल्कोहल है, इन प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करने के लिए पीसीसी एक सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक होता है, और प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, अम्लीय KMnO4 को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये है आपका प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे यहां पे 2 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीकरण और 3 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहां से द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। देखिएगा यहां से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का अपना, इसी में नेक्स्ट बढ़ाते हुए द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण, द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल कह सकता हूं उसको, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो यानी कि ध्यान क्या रखना है डियर स्टूडेंट यहां से, कि जो आपका द्वितीयक अल्कोहल है वो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, यानी द्वितीयक अल्कोहल जो होगा वो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर, जो सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा उसको मैं क्या करूंगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज करूंगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, या कार्बोनिल यौगिक बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, जिसमें जो कार्बन परमाणु, अब वहां से क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा वहां से, भाई आपका मैंने यहां से 2 डिग्री अल्कोहल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल को मेरे को क्या करना है, यहां से ऑक्सीडाइज करना है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या करवाते हैं, कीटोनों का निर्माण कर लेते हैं, यानी 2 डिग्री अल्कोहलों को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं, CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेते हैं, कीटोन। अब जो यहां से जो कीटोन बना है, ये कीटोन जो है वो आगे ऑक्सीकृत नहीं हो पाते, अब ये जो कीटोन है वो क्या हो, यहां से जो कीटोन बनेगा वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल से जो CrO3 की उपस्थिति में यहां से जो कीटोन बना है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी होती है जितनी कि आपके मूल अल्कोहल में होती है, जो टारगेट मॉलिक्यूल आपने लिया था अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल, उसमें जितने कार्बन परमाणु है उतने ही जो प्रोडक्ट कीटोन बना है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है। अब आगे नेक्स्ट क्या है कि जो आपका जो कीटोन बना है ये कीटोन आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन कीटोन को अधिक समय तक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में आप रिएक्ट करवा दें, वहां से क्रिया करवा दें, तो ये कीटोन जो है उनका ऑक्सीकरण होने लग जाता है, ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर लेते हैं। तो क्लियर है यहां से डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई होगी कि यहां पे क्या बताया कि 2 डिग्री जो अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है वो CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स जो मूल अल्कोहल है उसमें होती है। अब ये कीटोन आगे ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, लेकिन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अधिक समय तक क्रिया करवाई जाए तो ये कीटोन आगे ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। देखिए यहां से मैंने यहां से लिया 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH और ये है आपका CH3। OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन से टच कर रहा है,
टू कार्बन से, यानी एल्कोहल है वो कैसा एल्कोहल कहलाएगा, टू डिग्री एल्कोहल। अब इस टू डिग्री एल्कोहल को मेरे को क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज करवाना है। किसकी प्रेजेंस में होता है, CrO3। अब यहां से CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होगा, तो देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां का H जाएगा और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, यहां से H2 तो बाहर निकल जाएगा भाई, दोनों के बीच में यहां पे देखो ये वाली H निकल गई, यहां से ये H, ये ऑक्सीजन H2 बाहर। अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड को CH3, कीटोन बन जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा कीटोन। यानी कि द्वितीयक एल्कोहल जो है वो CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सी का होकर इसका निर्माण करते हैं, कीटोनों का निर्माण कर लिया यहां पे, क्लियर है। अब इस कीटोन के अंदर जो कार्बन परमाणु की जो संख्या है, इस कीटोन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, 1, 2 और 3। इस कीटोन के अंदर जो कार्बन परमाणु की संख्या जो 3 है, वो जो टारगेट मॉलिक्यूल आपने 2 डिग्री एल्कोहल का लिया था, मूल एल्कोहल के रूप में आपने क्या लिया था, 2 डिग्री एल्कोहल, इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। यानी कि द्वितीयक एल्कोहल में बनने वाले कीटोन के अंदर कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो उतनी ही होती है जितनी की इस मूल एल्कोहल के अंदर होती है। अब ये कीटोन जो है वो आगे ऑक्सीकरण नहीं हो पाते हैं, लेकिन इनको ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अधिक समय तक आपने क्या करवा दिया, यहां से ऑक्सीडाइज करवा दिया, तो ये जो कीटोन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो किस प्रकार से, यदि आपको आगे ऑक्सीडाइज करना है यहां से कीटोन, तो देखो यहां से किस प्रकार से ऑक्सीडाइज करेगा, यहां से इस बॉन्ड से यहां से इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये लीजिएगा, तो देखो यहां से एच और यहां का ऑक्सीजन, यहां पे दोनों मिलकर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा OH, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, कीटोन है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब आपको पता है मेरे को यहां से इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करके यहां पे OH जोड़ा है, तो अब यहां पे क्या बच गया आपका, CH2 बचा, ये क्या बच गया आपका CH2, के H निकल चुके, एक H यहां का ऑक्सीजन मिलकर ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको OH में। अब यहां पे CH2, समझने के लिए देखिएगा यहां पे क्या बच गया, CH2, ये वाली पोजीशन बच गई। अब ये जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहां पे कितनी वैलेंस है फ्री है, अब भाई कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ही तो बनाता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन कहां पे जुड़ेगा, यहां पे तो जुड़ेगा, तो यानी कि आपके ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का फिर आगे ऑक्सीकरण करवाओगे, एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकरण करवाओगे, तो यहां पे ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको ये वाला ऑक्सीजन यहां पे फिट होगा करें, तो ये क्या बन जाएगा आपका HCl, ग्रुप ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका OH। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ गई होगी कि ये मॉलिक्यूल्स है यहां पे तो OH, और आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें तो HCl OH, यानी कि क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो ये लिख रखा है यहां पे कि 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो CrO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होकर कीटोन बनाते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी होती है जितनी की मूल एल्कोहल में होती है। ये कीटोन जो होते हैं वो आगे ऑक्सीकरण नहीं हो पाते हैं, लेकिन इन्हें अधिक समय तक ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अभिकर्म करवाया जाता है, तो इन कीटोनों से किसका निर्माण हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो जाता है, यानी कि क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम तो मैं क्या दे सकता हूं, एसिटिक अम्ल, और इसका नाम क्या दे सकता हूं, फॉर्मिक अम्ल। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि क्या बन जाएगा, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो मैंने वहां पे बताया भी था कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया, वहां पे क्या बनेगा, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन, वे कीटोन एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन, और इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो आगे 100% क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।